स्वागत है जी आप सबका चटोरा पॉइंट की एक और नई वीडियो में। भाई आज हम ट्राई करने वाले नेवर ट्राइड चिप्स, मतलब इन ब्रांड के जो है ना हमने ऑलरेडी चिप्स तो जरूर खा रखे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे फ्लेवर हैं जो कभी नए आए हैं या पुराने भी हैं, लेकिन हमने जो है ना कभी भी वो ट्राई नहीं करे हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से चिप्स लेकर आए, और कमेंट करके आपने बताना कि इनमें से आपने कौन से खा रखे हैं। और ये तो हमारे आज फर्स्ट टाइम है। और ना मैं इनमें से कुछ चिप्स के जो नाम पढ़ रहा हूँ भाई साहब, बड़े डेंजरस नाम है, ज्यादा स्पाइसी होने वाले हैं कि नहीं है, लेकिन नाम बहुत खतरनाक रखे हुए। नाम और उसके पैकिंग के हिसाब से थोड़ा सा उसको हॉट स्पाइसी बना रखा है। अब देखें कितना स्पाइसी है। आपको फटाफट जो है दिखाते हैं हमने कौन कौन से चिप्स मंगवाए हैं। तो जी सबसे पहला चिप्स जो हम ट्राई करने लगे ये है जी 2M का नागिन सॉस वाला जी चिप्स, और नीचे लिखे हुई है वो भूत झोलकिया चिली फ्लेवर। तो इसको जो है टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं। भाई रंगत तो जैसे नॉर्मल जो चिप्स होते हैं उसी तरह वैसे ही है। 20 रुपए का ये पैकेट है, 44 ग्राम जो है ना इसका वेट है। अब देखते हैं भाई भूत झोलकिया चिली यूज नाम कर रखा है, सबसे पहले टेस्ट करते आ जाओ। देखो मैंने ना सुन रखा है कि भूत झोलकिया जो मिर्च है भाई उसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है। अब वो कभी ट्राई तो कर नहीं रखी बंगाल हमने, मगर ये भी तीखा स्पाइसी चटपटा लेकिन है। अच्छा खासा तीखा चिप्स है भाई साहब। फर्स्ट बाइट से ना आपके जीभ पे गले पे मसाला फील हो रहा है, अच्छा खासा मसाला लगा। तेरे को सिर्फ मसाला फील हुआ है या मिर्च भी महसूस हुई है? मसाले के साथ मिर्च भी है, मिर्च तो मेन इनका इंग्रेडिएंट है, अच्छी खासी यूज कर रखी है भाई साहब। मतलब जीभ से जीभ के साथ साथ अंदर गले तक मेरे को तो यहाँ तक जो है ना मिर्च महसूस हो रही है, और हल्का हल्का जो है ना वो पसीना आना शुरू हो गया है। सही में वाकई में स्पाइसी है। अगर जिनको तीखा खाना पसंद है भाई ये वाला चिप्स जो है ना ये जरूर ट्राई करना। और है भाई थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर स्वीट टैंगी टाइप का फ्लेवर भी आ रहा है, काफी सही लग रहा है भाई। अब हम ट्राई करने रहे हैं लेज का वेस्ट इंडीज हॉट एंड चिली स्वीट, और इसका प्राइस है जी 50 रुपए, और 90 ग्राम जो है ना जी इसका वेट है। और जो पहले वाला जो था ना वो भाई 2M वाला काफी ज्यादा स्पाइसी था यार, 50 रुपए, वो 20 रुपए में भी इससे थोड़ी सी कम क्वांटिटी थी, तो बहुत ज्यादा, वो 44 ग्राम था। चलो डबल है फिर तो। हाँ लेकिन डबल दिख नहीं रहा, चलो नाम ही है बस, पैकेट बड़ा कर दिया। टेस्ट करते हैं जी, आ जाओ। ना तो मेरे को इसमें हॉट तो कुछ भी नहीं लग रहा, हॉट नहीं है, स्वीट फिर भी है, हल्का हल्का मिठास आ रही है, जैसे टोमेटो केचप वगैरह या कुछ होता है ना उस टाइप का, लेकिन स्वीट है, चिली नहीं है, चिली मिर्च तो इसमें बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है। शायद थोड़ी देर में पता चले क्योंकि अभी हमने पहले चिप्स के बाद ये दूसरे वाले में एटलीस्ट 10 मिनट का हमने गैप ले लिया, ताकि जो है ना हमें टेस्ट अच्छा है मिर्च के पता चले कि ये ना हो कि भाई, क्योंकि वो ज्यादा ही तीखा था। बाकी ये है कि स्वाद है अपना अपना चॉइस है कि आपको थोड़ा सा ये कम है एक तरह से ना के बराबर ये स्पाइसी, तो ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट जो हम ट्राई करने लगे हैं जी कुरकुरे का पफ कॉर्न यमी चीज, तो 20 रुपए का ये पैकेट है जी, और इसको देखते हैं जी अब ये किस तरीके का है। देखें भाई इसकी रंगत कैसी है भाई, अच्छा ये ना उस तरीके का बना दिया, सही लग रहा है। अभी नए आए हैं, बहुत ज्यादा अभी पुराने नहीं है, दिखने में तो अच्छा लग रहा है, बाकी टेस्ट करके देखते हैं इसमें कॉर्न वाला टेस्ट आता है या नहीं आता, और चीज का भी। देखो जी शक्ल तो ठीक ठाक ही है, बाकी टेस्ट करके आपको बताते हैं। 20 रुपए का पैकेट है ये, 55 ग्राम इसका वेट है, और चीज का देखो कोई फ्लेवर आया खास? बहुत लाइट है, बस बहुत एक लाइट है कि जो स्नैक है ना चिप्स काफी हल्का है, हल्की मील है, ज्यादा पेट वेट भरने वाली चीज नहीं है। देखो चीज का भी फ्लेवर हल्का हल्का सा है, हल्का हल्का सा मीठा भी है, और लाइट लग रहा है खाने बच्चों में, को पसंद आएगा ये। शायद बच्चों को बहुत पसंद आए, बाकी ठीक ठाक है, मतलब एवरेज है, खा भी सकते हैं नहीं भी खा सकते, दोनों चीजें हैं, एक बार ट्राई कर सकते हो। 20 रुपए का ये कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। 20 रुपए का ये जी कुरकुरे का हमारे पास है सिजलिंग हॉट, ठीक है, दिख तो अच्छा ही रहा है, पैकिंग ये अच्छी बनाई होती है, बहुत पैकिंग तो भाई साहब ऐसा लग रहा है जैसे इसमें से आग निकलने वाली है। बाकी अब ये कितना हॉट है जी वो तो खाने में पता चलेगा, और इसको थोड़ा सा डिजाइन मतलब एग्जैक्ट वही है जिस तरीके कुरकुरे का होता है, शक्ल में इन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया, जैसे नॉर्मल कुरकुरे होते हैं एग्जैक्ट वैसा ही है। लेकिन भाई टेस्ट में कर दिया है, फर्क है, फर्क है, पहली बाइट लेते ही ना आपको जुबान पे पता चल जाएगा कि हाँ आप कोई मिर्च वाली चीज खा रहे हो। मैं सही बता रहा हूँ, जो सबसे पहले स्पाइसी खाया था ना उससे तो ज्यादा स्पाइसी ये वाला है,
नहीं मेरे को वो ज़्यादा स्पाइसी लगा था, मेरे को इसमें ज़्यादा मिर्च फील हो रही है, मेरे को ये थोड़ा सा कम लग रहा है, लेकिन स्पाइसी है। अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा, वो भी थोड़ी देर बाद ना गले में हिट हुआ था, ये मेरे को गले में नहीं हिट हुआ अभी तक, अंदर जुबान पे तो है, हाँ जुबान पे है, वो गले तक में हिट हुआ था भाई, ये अभी तक तो नहीं लग रहा। हाँ लेकिन स्पाइसी है, पानी पीने की जरूरत लगेगी क्योंकि ना जीभ वगैरह जो है वो जलने लग गई है। लेकिन टेस्टी भाई, टेस्टी है, ट्राई कर सकते हो। 20-20 रुपए में इतने अच्छे फ्लेवर आ रहे हैं ना, मजा आ गया भाई। नेक्स्ट जी हम ट्राई करने लगे हैं सफोला का क्रंची मिलेट कॉर्न्स, ठीक है जी, मसाला ट्विस्ट और मेड विद रागी। अब देखो ऊपर तो ये ऐसी शक्ल बना देते हैं भाई साहब कि कुछ ज्यादा तीखा होने वाला है, बाकी देखते हैं भाई एक तीखे के बाद अगला तीखा हमें कैसा लगता है, उससे तगड़ा लगना चाहिए तब मजा आएगा कि हाँ भाई सही बात है। और ये कितने का है प्राइस बताया नहीं यार इसका हमने, प्राइस है 20 रुपए का 45 ग्राम। चलो ओ भाई साहब ये तो शक्ल ही बिल्कुल अलग हो गई, अच्छा उसका बना हुआ ना रागी का। चलो जी टेस्ट करते हैं, शक्ल तो कुछ इस तरीके की है, आ जाओ टेस्ट करते हैं। देखो मिर्च का तो अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन स्वाद बहुत है इसका, फ्लेवर कमाल का है, फ्लेवर बहुत अच्छा आया है ना, बहुत अच्छा लगा है। हालांकि शक्ल भी मैं सही बताऊं तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है, बाइट लेते ही ना मजा आ गया, और हल्का हल्का स्पाइसी है, स्पाइसी है, और जो फ्लेवर है ना काफी अच्छा आ रहा है, मजेदार लग रहा है भाई। मैं सही बताऊं कुछ नया है ना, जैसे हम कह रहे हैं कि नेवर ट्राई बिफोर, और कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, उस नए में सबसे अच्छा मुझे ये लगा है। इसका फ्लेवर अब तक जितने भी खाए ना वो फ्लेवर हम जानते थे, और ये वाला ट्राई जरूर करना, काफी अच्छा लगेगा। 20 रुपए का है यार, बहुत स्वाद है, मजा आ गया। नेक्स्ट हमारे पास चिप्स है जी, ओरियन का टर्टल चिप्स, ठीक है जी, और प्योर वेज है, यहाँ पे है जी 4 लेयर क्रंची मसाला कॉर्न चिप्स। देखिए भाई 4 लेयर 60 रुपए का ये पैकेट है जी, अब देखते हैं कि ये वाला कैसा निकलता है। शक्ल देखिए सबसे पहले तो इसकी, ओ भाई साहब अच्छा लग रहा है यार, है ना, अलग अलग स्टाइल के बनने लग गए हैं वो आजकल, दुनिया भर की चीजें आ गई है, हमें नहीं पता, ट्राई करके देखते हैं इसको, आ जाओ देख कितना सही रहा है ना। अलग चीज बनाई है भाई। लास्ट जो दो हमने खाए इससे पहले वाला वो रागी वाला, वो भी बहुत डिफरेंट था, ये भी डिफरेंट है, और मैं तो कहूंगा भाई ये वाला भी जरूर ट्राई करना, इसका आपको अलग लगेगा, और जो बाइट लेने में ना इतना वो है ना हल्का पता नहीं चल रहा, मेल्ट हो रहा है भाई मुंह में जाते, ऊपर से बेशक आपको ये क्रंची लग रहा हो लेकिन वो बाइट लेते ना ऐसे सॉफ्ट घुल रहा है भाई, मजेदार और टेस्ट डिफरेंट है। ये किस चीज का बना हुआ है अभी ये तो इतना सारा पढ़ना पड़ेगा। कौन लिखा हुआ था ना यहाँ पे आगे, कौन कहीं लिखा हुआ था, ये रहा कॉर्न चिप्स, बहुत स्वाद है, मजेदार, ये जरूर ट्राई करना। प्राइस है इसका 60 रुपए और वेट है जी इसका कुछ 70 ग्राम। नेक्स्ट चिप्स जो है जी हमारे पास डोरिटोज डायनामिटा फायरी लाइम एंड चिली फ्लेवर। भाई साहब इसका तो पैकेट ही जो है ना सही बता रहा हूँ डरा रहा है रखा है भाई। ये देखते हैं, ये है जी 56 ग्राम है जी, और प्राइस है इसका आई थिंक ऊपर लिखा होता 30 रुपए का। पैकिंग 10 में से 10 नंबर है भाई, बाकी टेस्ट वैसा है कि नहीं ये अभी देखते हैं, पहले जरा इसकी ओ भाई ये आए हैं भाई साहब, ये तो इन्होंने बिजली बम डाल दी है। आते रहा है वाला पैकेट यार, इन्होंने भाई साहब जो ऊपर देख ले बिजली बम वाला बना भी रखा है, ये आग लगी है, ये सुतली बना के इन्होंने ये हमारे मुंह में लगेगी। ओ भाई अब देखते हैं ये कैसा है भाई, रंगत ना जितना आपको यहाँ पे ऑरेंज दिख रहा है कैमरे में, लेकिन ऑरेंज नहीं है, फुल रेड है जिस तरीके का ये पैकिंग जो ऊपर आ रहा है। और ये खाते हुए ना मेरे को सही बता रहा हूँ मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, टेस्ट करते आ जाओ। देखो बहुत टैंगी है, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा नींबू डाल रखा है, वो आंखें बंद हो रही हैं, लेकिन अभी तक वो चिली वाला जो है ना भाई वो फ्लेवर फील नहीं हो रहा, वो फील ही नहीं हो रहा यार बिल्कुल भी, नींबू ऐसा लग रहा है कि मिर्ची की जगह डबल डाल दिया नींबू, इतना ज्यादा खट्टा है, बाकी क्रिस्पी है बहुत ज्यादा, जितना दिखने में डेंजरस लग रहा है ना भाई उतना डेंजरस है नहीं। फ्लैट चिप्स को ना उसको रोल कर दिया है, ठीक है, डरा दिया, मतलब इन्होंने ना पैकेट खोलने में कि कुछ निकलेगा खतरनाक, उतना है नहीं, सुपर डुपर क्रंची, बहुत क्रंची है लेकिन बहुत टैंगी, ऐसा लग रहा है कि ऐसे हमने
नींबू ही खा रहे हो, मिर्च का तो कहीं दूर दूर तक नहीं है, मुझे सुतली बम पुस निकला। लास्ट है जी हमारे पास बिंगो का जी, हॉट एंड स्पाइसी कोरियन स्टाइल। मेरे ख्याल से हमारा सबसे पहला चिप्स भी बिंगो का ही था ना, जो सबसे ज्यादा तीखा वाला हमने खाया था, और इस पे लिखा हुआ जी 2x स्पाइसी। चलो देखते हैं भाई इसकी जरा शक्ल वगैरह कैसी है। वो मेरे ख्याल से उसमें वो भूत झुलकिया ऐसा कुछ बना हुआ था पंकज, ये अब उससे भी ज्यादा तीखा है कि नहीं है ये देखना पड़ेगा। ये जरा मेरे से गलत फट गया भाई, शक्ल ओ भाई चिप्स तो वही है, चिप्स वो नहीं होगा, ये उससे ज्यादा तीखा लग रहा है मेरे को, वो इतना लाल नहीं था। खुशबू आ रही है है ना इसमें, इसके तो खुलते ही जो खुशबू आई है भाई मिर्च की, ये देखना पड़ेगा। ये तो रंगत में ना ज्यादा लाल लग रहे हैं। चलो ये पहली बाइट पे ही, बाइट भी लेने की जरूरत नहीं है, ये चिप्स ये ऐसे जुबान पे गया और आपको मिर्च के जो वो है ना टेस्ट और फ्लेवर पता चलेगा कि हाँ भाई कुछ आप अलग चीज खा रहे हो। इसके अंदर जो होती है ना कोरियन स्टाइल नूडल्स वगैरह उस टाइप का जो फ्लेवर होता है ना वैसा आ रहा है। देखो 2x स्पाइसी जरूर लिखा हुआ है लेकिन अभी तक ना सिवाय ये गले के इस हिस्से में मैंने एक चीज देखी है भाई साहब, ये सीधा यहाँ जाके हिट होती है मिर्च, ये जुबान पर नहीं लग रही है, ये सीधा गले पे जाके हिट हुई है। और टेस्टी तो है भाई, मेरे को तो स्वाद लगा, ये बहुत टेस्टी है। मगर ये है कि ये इतना सारा ना एक बंदा ना ही खाए तो अच्छा है, शेयर करके खाए। ये गला जलने लग गया, बहुत ज्यादा तीखा नहीं है, पहला वाला इससे भी ज्यादा तीखा था। एक मिनट लेकर आई हो जरा वो वाला चिप्स, वो वाला ट्राई करके देखते हैं। इसके साथ में जो हमने कौन सा था ये 2M का है वो, और ये था नागिन सॉस के साथ में। अब देख शक्ल में बहुत फर्क है, ये बहुत ज्यादा रेड है, ये बहुत हल्का सा है। टेस्ट करें, ये वाला भी टेस्ट करते हैं, वो वाला भी करते हैं, ये दोनों तीखे हैं। और मेरा ओपिनियन ये है कि मेरे को ये वाला उससे ज्यादा स्पाइसी लगा है, सुमित को वो वाला ज्यादा स्पाइसी लगा। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा ज्यादा स्पाइसी है, दोनों स्पाइसी है भाई। अगर मिर्च खाने के शौकीन हो ना दोनों ट्राई कर लेना, और बच्चों को मत देना भाई बिल्कुल भी, ये बच्चों के लिए तो है ही नहीं। मुझे तो भाई इतना ज्यादा तीखा लग रहा है ना, मेरे को तो पानी की जरूरत पड़ गई है। बाकी हमने पंकज और भी बना रखे तीन चार हैं, मतलब प्लेलिस्ट बना रखे नेवर ट्राइड फूड की, वो ले जाकर देखना, उसमें काफी अच्छे अच्छे वीडियोस हैं भाई। इतना तीखा होने के बावजूद ना मैं सिर्फ रहा हूँ इसको छोड़ने का मन नहीं कर रहा, दोनों चिप्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। आपको ये हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और भाई आपको हमारा ये वाला नया सेटअप कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना। देखो सिंपल और सोबर तैयार करने, बहुत ज्यादा फैंसी नहीं, सिंपल, ताकि वीडियो भी अच्छी बनती रहे और बैकग्राउंड भी अच्छा लगता है। आपको कैसा लगा ये बैकग्राउंड प्लीज कमेंट करके जो है ना जरूर बताना। मिलते हैं आपसे, हाँ क्या कह रहा, मैं कहता हूँ और बहुत जल्द मिलेंगे। हाँ और बहुत जल्द मिलेंगे जी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी बाय बाय। वो इतनी मिर्च लग रही है ना, अब शब्द जो है वो फंबल हो रहे हैं, अब सिर्फ जुबान पे मिर्च लग रही है।